नमस्कार दोस्तों, आज हम बीपीओ के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए जो पंचायत से लगभग 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज उसका पहला टॉपिक परंपरागत पंचायतें एवं ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायत व्यवस्था। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे और कल उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायतें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, अभी मार्केट में कोई किताब उपलब्ध नहीं है जिससे कि आप हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई प्रकाशन आया नहीं है। इसलिए हम भी पता किए, इलाहाबाद में हैं तो कटरा भी गए थे, सलोरी भी, और जहां मार्केट बिकती थी वहां पता किए, अभी कोई आई नहीं है बुक। हो सकता है कि अक्टूबर में आ जाए, अगले वीक ले। चलिए शुरू करते हैं। जैसे भारत में पंचायती राज का उद्भव, भारत में पंचायती राज के इतिहास का विश्लेषणात्मक दृष्टि से निम्नलिखित कालक्रमों को विभाजित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं वैदिक युग में। तो वैदिक युग में प्राचीन समय में जो संस्कृत शास्त्रों में जो पंचायत थी उसको पंचायतन शब्द के रूप में उसका उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का एक समूह, जिसे गांव में कहते हैं 5 पंच या पंचों, मतलब 5 व्यक्तियों का समूह होता है। जिसे अब वर्तमान, पहले तो 5 लोगों का समूह के द्वारा ही समझ लीजिए एक प्रधान की नियुक्ति कर ली जाती कि इन्हीं हमारे मुखिया हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे समूह में एक आध्यात्मिक व्यक्ति को शामिल करने की अवधारणा लुप्त हो गई, मतलब ख़त्म हो गई। तो अब वैदिक युग के बाद उसी के अंतर्गत ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विदथ नाम का उल्लेख मिलता है, मतलब ये स्थानीय स्वशासन के नाम हैं। सभा, समिति और विदथ एक समितियां थी जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन में कार्य किया जाता था, उनका कल्याणकारी योजनाएं लागू किया जाता था। जैसे ये स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों निर्णयों के संबंध में निकाय की स्वीकृति प्राप्त करते थे। जैसे उसी समय या वर्तमान का शुरू लें तो अगर अपने ग्राम क्षेत्र में कुछ विकास करना है तो राज्य सरकार से जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ऐसे होता है। अगर हमको कुछ काम करना है तो अभी वर्तमान में हमको राज्य सरकार से एक धनराशि के अंतर्गत हम उस कार्य को करते हैं, वहाँ से स्वीकृति मिलती है। इसका उल्लेख महाकाव्य में भी मिलता है। जैसे महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत में इंगित है स्थानीय निकाय के बारे में। अब रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों यानी पुर और जनपद। पुर जिसे हम नगर और ग्राम में विभाजित करते थे, या जो पुर शब्द है यह अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसका भी उल्लेख वहाँ स्थित है, मिलता है, जिसका अर्थ होता है नगर, जिसका मुख्य अधिकारी होता है नागरिक। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। और महाभारत के शांति पर्व में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। और महाभारत के अनुसार ग्राम के ऊपर 10, 20, 100 और 1000 ग्राम समूहों की इकाइयाँ विद्यमान थी। और जो ग्रामिक होता था, जो ग्राम का मुख्य अधिकारी होता था, उसे हम ग्रामिक के नाम से जानते थे। और दशप जो होता है वह 10 गांवों का अधिकारी होता था। और विषय अधिपति सत ग्राम अध्यक्ष और सत ग्राम पति अध्यक्ष 20, 100 और 1000 ग्रामों का प्रमुख होता है। आप ऐसे समझिए, जो यह ग्रामिक होता है, मान लीजिए हम लोग हो गए ग्राम पंचायत अधिकारी, हो गए एक ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए, जो दशप होते थे जिसे हम BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट
ऑफिसर ए हो गए, और जो सत ग्राम अध्यक्ष होते हैं जिन्हें हम DPRO कह सकते हैं, मतलब जिला स्तर के पंचायती राज अधिकारी होते हैं DPRO, तो ए हो गए ग्राम पंचायत अधिकारी, ए हो गए BDO दसप, और विषय अधिपति हो गए DPRO। अब समझ गए होंगे ना, ये पूरे ज़िले के मालिक होते हैं, मतलब इनके भी और इनके भी। अब आगे देखिए, वह स्थानीय स्तर पर एकत्र करते थे, वह स्थानीय स्तर पर एक पर जो कर होता था उसे एकत्र करते थे और अपने ग्रामों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे। अब प्राचीन काल में जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। ये नगर को पुर कहा जाता था, पुर का उल्लेख यह रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है, जिसका प्रमुख नागरिक होता था। जो स्थानीय निकाय थी वह किसी भी राजसी हस्तक्षेप से मुक्त थी, और मौर्योत्तर काल में ग्राम का मुखिया एक वृद्ध व्यक्ति होता था, उसी के अंतर्गत एक वृद्धों की एक परिषद ही होती थी, जिसकी सहायता से ग्रामीण जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता था। यानी उस गांव में जो वृद्ध व्यक्ति होता था, यानी समझदार बुद्धिमान होता था, उन्हीं को समझ लीजिए प्रधान बनाया जाता था, उन्हीं के अंतर्गत सारे कार्य किए जाते थे, जैसे वो कहते थे उसी अनुसार सारे ग्रामीण लोग काम करते थे। यह प्रणाली गुप्त काल में भी बनी रही, लेकिन सिर्फ इसमें नामकरण में कुछ परिवर्तन हुए थे, जैसे कि इस काल में जिलाधिकारी को विषयपति कहा जाता था और ग्राम प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा कि गुप्त काल में जिलाधिकारी को क्या कहा जाता था, विषयपति, और ग्राम प्रधान को ग्रामपति कहा जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में स्थानीय शासन की एक सुस्थापित प्रणाली विद्यमान थी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों के निर्धारित रूपरेखा के आधार पर संचालित होती थी। अभी यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि पंचायत के प्रमुख के रूप में, यहाँ तक कि सदस्यों के रूप में भी स्त्रियों की भागीदारी का कोई संदर्भ नहीं मिलता था। मतलब आप ये वैदिक काल से मौर्य और गुप्त काल तक देख लिए कि कहीं भी उस समय स्त्री का प्रमुख के रूप में नहीं चुना जाता था, ना सदस्य के रूप में। उस समय स्त्रियों की दुर्दशा काफ़ी खराब थी। मध्यकाल में सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य के प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। मतलब शासन प्रशासन अगर प्रांतों यानी गांव, उस समय प्रांतों के अंतर्गत जिला आते थे, और जिला के अंतर्गत कुछ अगर शासन प्रशासन करना है तो राजाओं ने ऐसे मतलब केंद्रीकरण किया था, जिससे कि हम शासन सत्ता चला सके, जिसे हम विलायत कहते थे। और ग्राम शासन के लिए तीन महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, प्रशासन के लिए मुकदम होता था, और राजस्व ग्राम के लिए पटवारी, जिसे हम लेखपाल कहते थे, और पंचों की सहायता और विवादों के समाधान के लिए चौधरी, पहले गांव में चौधरी नियुक्त किए जाते थे, फिर चौकीदार नियुक्त किए जाने लगे, फिर धीरे धीरे पटवारी नियुक्त किए जाने लगे, ऐसे ऐसे परिवर्तन होता गया। और ग्रामों के स्वशासन के संबंध में अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ थीं। और मध्यकाल में मुगल काल के तहत जातिवाद और शासन की सामंतवादी प्रणाली धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। जो सामंतवादी प्रणाली थी वो धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया मुगल काल के तहत। और पुनः उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। अब आ गए हम ब्रिटिश काल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वह कमज़ोर हो गए। बस 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। बस 1870 के प्रसिद्ध मियो प्रस्ताव
ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियाँ और उत्तरदायित्वों का वृद्धि उनके विकास की गति दी। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ग्राम शासन उस समय स्थानीय स्वशासन था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिससे उसको वित्त भी प्राप्त किया जा सके, उसका विकास भी किया जा सके, इसलिए विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लाए थे लॉर्ड मेयो ने। और मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन उस समय 1882 के में इन्होंने वर्ष 1882 में स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। सभी बोर्डों उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों के 2/3 बहुमत को अनिवार्य कर दिया गया और इन निकायों के अध्यक्ष को भी निर्वाचित और गैर अधिकारियों में से ही चुना गया था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH होब हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण या रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इसे हम शाही आयोग भी कहा जाता है। केंद्रीकरण रॉयल कमीशन को शाही आयोग भी कहा जाता है। पूछ लिया जाएगा शाही आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, CEH होब हाउस के अनुसार अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया था। इस कमीशन अथवा आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया और इस पृष्ठभूमि में 1919 में मॉन्टेग्यू चेसफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय में प्रांतों में अधिकार स्थानांतरित कर दिया था। अब इसके कुछ चोल काल के प्रश्न देखेंगे क्योंकि चोल स्थानीय स्वशासन के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरेंद्रम कहा जाता था। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था, उन्हें सिरुंद्रम कहा जाता था। संपूर्ण चोल राज्य कितने मंडलों में विभाजित था, 6 मंडलों में। हम देखेंगे जो नाडू की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था, नाडू की स्थानीय सभा को नाटूर कहा जाता था। नगर की स्थानीय सभा को क्या कहा जाता था, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। और चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन का होना। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों कल हम हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि स्वतंत्रता बाद ब्रिटिश शासन पंचायतें, स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो एक टॉपिक है ना, उसको हम कवर कराएंगे। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखना।